स्टूडेंट वेलकम सभी विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सब लोगों को, गुड इवनिंग सब लोगों को। सब लोग फटाक से जुड़ जाइए, स्वागत है आप लोगों का। सब लोग जुड़ जाइए फटाक से, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिएगा, अटेंडेंस लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, सब लोग बढ़िया होंगे ना, एकदम बढ़िया। चलिए उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, मौज में एकदम। तो चलिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में, है ना भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में हमने बताया था ना लास्ट जो हमारी क्लास चली थी वो पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में क्लास चली थी हमारी, जिसमें हमने क्या कहा था, कोई फंक्शन होता है जिसमें एक से ज़्यादा क्या होंगे, डेरिवेटिव होंगे, मोर देन वन डेरिवेटिव्स, एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स भी होंगे, और दूसरी बात हमने क्या बताया था कि मोर देन वन वेरिएबल्स, ठीक है ना। जिसने नहीं देखा है वो हमारी पिछली क्लास जरूर देख लेना भाई, ठीक है ना, पिछली क्लास देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ से बताई क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या होता है, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, मैंने कोई एग्जाम्पल भी, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और एक बात हमने ये बताया था कि पार्शियल डेरिवेटिव को हमेशा आप ऐसे शो करते हैं, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव को हमेशा ऐसे शो करते हैं ना, उल्टा छः। देखिए, डेल्टा लिखने के क्या क्या टाइप होते हैं, ऐसे भी डेल्टा लिखा जाता है ना, ऐसे भी डेल्टा के लिए डी लिखा जाता है, और ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हमेशा ये वाला काम आता है, हमने बताया था ना। तो आज क्लास में क्या करने वाले हैं, आज क्लास में हम आपको एक एग्जांपल करवाने वाले हैं ना, ये एग्जांपल करवाने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है। आप एकदम बेसिक से समझिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोटबुक और पेन, और साथ साथ लिखते रहिएगा, ठीक है, करते रहिएगा साथ साथ, और आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देंगे, अगर आपने वो क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आप क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, बढ़िया से कर लेंगे, उसका मतलब ये कि आप पार्शियल डेरिवेटिव को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और उस पर आने वाले हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल करवाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, है ना। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, काफी बढ़िया एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से, इफ क्वेश्चन ऐसे है, इफ जेड ऑफ एक्स प्लस वाई, इफ जेड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ जेड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट होल्ड करिएगा जी। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, जेड एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफ अगर आपको ऐसा दिया गया, देन प्रूव दैट। क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आराम से समझिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। अगर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर होमवर्क वाला क्वेश्चन भी आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, और अगर आपने होमवर्क वाले क्वेश्चन को कर लिया, इसका मतलब ये है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हम तरीका क्या बता रहे हैं, हाँ जी। देखिए तो क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास ये आपको कोई फंक्शन दिया गया है जेड एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो प्रूफ क्या करना है, तो वो प्रूफ क्या करना है, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई का जो स्क्वायर है वो फोर टाइम्स वन माइनस डेल जेड वाई डेल एक्स माइनस डेल जेड वाई डेल वाई। देखिए हमारे पास एक प्रश्न आया है, ये क्वेश्चन आया था कि सर इस पे जरा डेरिवेटिव कैसे, पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होता है। देखिए
आपको ये सॉल्व करना है कि अगर जेड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है, अब प्रूफ क्या करना है कि डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल वाई डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है, ठीक है ना। पार्शियल डेरिवेटिव हमने क्या कहा, देखिए यहाँ पर एक एक बार वेरिएबल एक्स आ रहा है, एक बार वेरिएबल क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव है। और ये साइन जहाँ भी आ गया आप क्या समझ जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे होता है, पहले देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जेड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए ये देखिए, समझिए यहाँ से हमें प्रूव करना है डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई। देखिए हमारे पास मैक्सिमम को डेल जेड बाई डेल एक्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और डेल जेड बाई डेल वाई भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत आसान से खुद क्या करना, आप ही करना ही है। क्या करना है आपको, पहले यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी आसान हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। क्लियर है कि नहीं, इतना सिंपल है भाई ना, सिंपल है ना। अब देखिए क्या करना है, ये जो इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट तो देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्शियली डिफरेंशिएट पार्शियली या पार्शियली डिफरेंशिएट पार्शियली, लिखने का तरीका देखिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए हम डेल जेड वाई डेल एक्स फाइंड करना चाहते हैं बाय कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। पूरे वे से वो करना रहेगा हमेशा, ठीक है ना, पूरा आप लैंग्वेज लिखेंगे। और फिर यहाँ से देखिए, अगर आप डेल जेड वाई डेल एक्स निकालना चाहते हैं एंड डेल जेड बाई डेल एक्स अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखिए यहाँ पर u बाई वी का फॉर्मूला लगेगा और डेल बाई डेल जेड या डेल एक्स जो भी कहें यू बाई वी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू अपॉन वी का अगर फॉर्म में होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ चुके जानते होंगे कैसे होता है भाई, वी डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू माइनस यू को लेते हैं बाहर और डेल बाई डेल एक्स ऑफ वी अपॉन में वी स्क्वायर, यही करते हैं ना भाई, यही फॉर्मूला लगाते हैं ना, यही फॉर्मूला लगाते हैं। क्या करते हैं, v को पहले बाहर लेते हैं और u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर लेते हैं और v का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, और अपॉन में v का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारे पास जो डेल जेड बाई डेल एक्स आएगा वो क्या आएगा, देखिए ज़रा ये देखिए, हमारे पास ये तो यू का काम करेगा और ये वी का काम करेगा, है ना। तो पहले वी यानी एक्स प्लस वाई को क्या लेना है, बाहर लेना है, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एकदम बेसिक समझिए, एकदम प्यार से बढ़िया से एकदम आसान से, है ना। माइनस देखिए अगर आराम आराम से आप करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, रटने वाले क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो बस आपको पूरे वे से करना है क्वेश्चन कि किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से फिर क्या है, यू है, यू बाहर है, हम क्या करते हैं u बाहर ले लेते हैं, x प्लस वाई स्क्वायर को बाहर ले लिया, ठीक है, और डिफरेंशिएट किसको करना है, v को, यानी x प्लस वाई को क्या करना है, डिफरेंशिएट और अपॉन v का स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर। चलिए देखिए ऊपर से मतलब नहीं, बस हमको इससे मतलब है, अगर आप यहाँ से डेल z बाई डेल x फाइंड आउट करना चाहें, डेल z बाई डेल x अगर फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आएगा आपके पास, देखिए x प्लस वाई तो x प्लस वाई रहेंगे भाई साहब, इनके तो चेंज होंगे नहीं, बाहर लिए इनको डेरिवेट नहीं कर रहे हैं, डेरिवेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर अपना क्या है कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, ये प्लस में जीरो हो जाएगा, इसको हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, 2x माइनस, अब की बार देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है हमारे पास भाई, कॉन्स्टेंट, सॉरी जिसको डेरिवेट नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट एज ए कॉन्स्टेंट है, बाहर लिया हमने, फिर क्या करें, डेल बाई डेल एक्स एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इंटू 1, वाई का तो 0 हो जाएगा, अपॉन वी स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर,
अच्छा इसको अगर हम ओपन करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का क्या होगा भाई, होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए टू एक्स स्क्वायर है कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है वाई स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। अच्छा एक मिनट ध्यान दीजिए, क्लियर किया, यहाँ जब मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, सॉरी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, ये भी तो माइनस का हो जाएगा ना भाई, देखिए वाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस वाई स्क्वायर, यह भी जब ये माइनस का होगा तभी माइनस का होगा, नहीं प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ से जो वाई स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा माइनस का, देखिए क्या आएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या है आपके पास डेल जेड बाई डेल एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, क्या है आपके पास डेल जेड बाई डेल एक्स। अब क्या करेंगे हम, हमको फाइंड आउट करना है डेल जेड बाई डेल वाई भी फाइंड आउट करना है, तो पहले लिखते हैं फॉर्मूला क्या था, फंक्शन क्या था, एक्स सॉरी जेड इक्वल्स टू एक्स क्या था भाई, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई था ना, ठीक है, u का काम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर रहा है, v का काम x प्लस वाई कर रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर v का काम क्या कर रहा है x प्लस वाई। तो देखिए अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, ये तो हो गया देखिए u है ना, ये तो हो गया हमारे पास u और ये हो गया v, फिर से वही फॉर्मूला क्या कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू बाई वी, अगर इस फॉर्म में हो तो क्या होगा, वी को बाहर लेंगे और यू का डिफ्रेंसिएशन, हालांकि यहाँ वाई कर रहे हैं तो वाई कर लेते हैं, ठीक है ना, वो आपको बस समझने के लिए है, ठीक है, डेल बाई डेल वाई ऑफ यू हो जाएगा माइनस उसके बाद यू बाहर आएंगे और डेल बाई डेल वाई ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है ना भाई। इस फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो डेल जेड बाई डेल वाई आता है वो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, वी क्या है हमारे पास एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई रहेगा, ठीक है ना, फिर डेल वाई यू, यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यू, यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई की जगह वी की जगह एक्स प्लस वाई, ध्यान रहे इस बार डिफ्रेंसिएशन हम कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में, अपॉन क्या है वी स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पहले लिख लेंगे ना डिफ्रेंसिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई बाई कीपिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, आपको पूरी लाइन लिख लेनी है, ठीक है, उसके बाद ये करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए भाई, डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स प्लस वाई एज ए कॉन्स्टेंट है, इनको बाहर रखते हैं, एक्स स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर का होगा टू इंटू वाई, क्लियर है, माइनस यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा वन, क्योंकि x का हो जाएगा जीरो, y का करेंगे तो वन, dy वाई बाई डी वाई क्या होगा वन, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा वन अपॉन अपॉन में क्या आएगा x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना भाई, एकदम साथ साथ चलते जाइए, डेल जेड बाई डेल वाई यहाँ से फाइंड आउट करने करेंगे तो क्या आएगा, डेल जेड बाई डेल वाई फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए टू एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए डेल जेड बाई डेल वाई फाइंड आउट करना चाहें अगर, तो क्या आएगा, टू वाई स्क्वायर है, एक ये वाई स्क्वायर है, घट जाएगा, बचेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, डेल जेड बाई डेल वाई निकाला है, उससे पहले डेल जेड बाई डेल, इससे पहले हमने डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला है, डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है ना, और डेल जेड बाई डेल वाई। हमें प्रूफ क्या करना है भाई, तो कहेंगे देखिए प्रूफ हमको क्या करना है, प्रूफ हमको करना है ये, ठीक है, प्रूफ हमको क्या करना है ये, डेल जेड बाई डेल एक्स निकल गया, डेल जेड बाई डेल वाई, अब वैल्यूम क्या कर रहे हैं यहाँ पुट करके इसको स्क्वायर करके देख रहे हैं क्या आ रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई का की वैल्यू को रखते हैं और फिर स्क्वायर निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। डेल जेड बाई डेल एक्स हमारे पास ये है, चलिए यहाँ कर दे रहे हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर करिए जरा, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, डेल जेड बाई डेल एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, और डेल जेड बाई डेल वाई क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही है ना, मतलब मैच करवा लीजिए एक बार, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमारे पास ये आ गया इनका स्क्वायर, मतलब हमने क्या किया, एल एच एस लिया है, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, करेंगे देखिए कितना आ रहा है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यहाँ पर, मतलब क्या, डिनोमिनेटर में अगर सेम है तो वही उनका एलसीएम हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एलसीएम मिलने तो आपको आपको आता ही होगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में टू एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये बचा। यानी यहाँ से अगर फाइंड आउट करना चाहें तो कितना आएगा भाई, देखिए एक्स स्क्वायर एक यहाँ है, एक्स स्क्वायर एक यहाँ है, क्या बचा, टू एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस में वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई स्क्वायर, और ये दोनों तो कट ही गया, प्लस का टू एक्स वाई माइनस का टू एक्स वाई क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना, अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आया, ठीक है कि नहीं। ठीक है ना भाई, हमारे पास क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर, सॉरी इनका स्क्वायर भी चल रहा है साथ में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू अगर बाहर लें तो टू को कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और इन सब का टू, ठीक है ना, इन सब का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, अगर टू को हम बाहर लें एकदम स्क्वायर करके बाहर लें, टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, ठीक है, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, फोर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा इसको हम और भी कुछ लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट वन स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है बार फोर, ठीक है, यानी एक एक्स प्लस वाई से
एक इसकी पावर कट जाएगी, यानी आपके पास जो आएगा सॉल्यूशन वो क्या आएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, फोर ऑफ एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी यहीं तक हम छोड़ते हैं, अगर सॉल्व करेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को इतना रखते हैं, एक बार एक काम करते हैं लेफ्ट साइड को इतना रखते हैं, अब क्या करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके इसके बराबर ले आते हैं। आप लोग यही करते हैं, यही करना भी चाहिए। देखिए राइट हैंड साइड क्या है हमारा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अगर लगे कि हाँ चलिए यहाँ तक ठीक है, उसके बाद नहीं करना चाहिए कि मतलब मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम आपने उसको क्या करें सिंप्लीफाई कर दिया है, तो उसके बाद वहाँ रुक जाइए और राइट हैंड साइड को आप सॉल्व कर लीजिए, कि हो सकता है भाई राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से आंसर आ जाए। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना था पहले देख लीजिए, प्रूफ क्या करना था, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई का जो होल स्क्वायर है वो क्या प्रूफ करना था, फोर माइनस क्वेश्चन क्या था भाई, फोर वन माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई, ये आपको प्रूफ करना था ना, है ना। अब आप क्या करेंगे, एल एच एस ने आपने फाइंड आउट कर लिया है, क्या करेंगे आर एच एस लेंगे, है ना। आप आर एच एस लेंगे और ट्राई करेंगे कि आर एच एस में वैल्यू पुट करने से वो एच एस एल एच एस की वैल्यू हमको दे दे, यानी यहाँ से अगर आप आर एच एस देखेंगे कितना है भाई, फोर ऑफ वन माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई, जरा वैल्यू पुट करिए, तो वैल्यू पुट करिए तो हमारे पास आएगा फोर बाहर है, वन माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, कितना है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर वाई स्क्वायर पॉजिटिव आ जा रहा है और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। जरा इनको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या एल एच एस के बराबर आते हैं, है ना। तो आप सिंप्लीफाई करिए तो कैसे करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट फोर टाइम्स ऑफ, देखिए इनके अपॉन में वन लिख सकते हैं ना, हमारे पास तीन टर्म आ गए, वन बाई वन माइनस दिस बाई दिस बाई दिस बाई दिस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम हमारे पास क्या आता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। वन में एक्स प्लस वाई का करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डायरेक्ट आएगा, है ना। इसमें वन का डिवाइड करेंगे यही आएगा और ये इसको फिर वापस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा आपको। ठीक है, ये हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कट जाएगा और डायरेक्ट जो है वही आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। यहाँ से भी देखिए माइनस एक्स वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो जो आपका ऊपर प्रोडक्ट है वही सेम का सेम आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स, सॉरी सॉरी बाहर माइनस लगाना तो अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर क्या बचेगा प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में टू एक्स वाई। ठीक है ना, ये आपके पास यहाँ निकल के आया। ठीक है, अगर यहाँ से आप फाइंड आउट करना चाहें, दिस इंप्लाइज दैट फोर टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जरा इसको ओपन करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब जो कटता है वो काट दीजिए, देखिए काटने से क्या बचता है, क्या क्या कट रहा है, एक एक्स स्क्वायर इसके साथ कट गया, वाई स्क्वायर वाई इसके साथ कट गया, टू एक्स वाई के साथ कट गया, और कुछ कटा है भाई, और कुछ तो नहीं कटा है ना, और कुछ कटा है नहीं, तो आपके पास बचा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये बचा आपके पास, टू एक्स वाई टू एक्स वाई टू एक्स वाई तीन टू एक्स वाई है। चलिए ठीक है,
जो भी बचता है लिख लेते हैं। लिखिए तो कितना आएगा, फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास निकल क्या है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई बड़ी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ हमने लग रहा है कहीं कुछ मिस्टेक किया है, क्योंकि वाई स्क्वायर जो पॉजिटिव आना चाहिए, एक वाई स्क्वायर से ये कट गया। ठीक है देखते हैं, प्लस टू एक्स वाई से माइनस टू एक्स वाई। ठीक है ये दोनों तो अभी यहीं के यहीं कट गए, बचे ये प्लस के टू एक्स वाई। अच्छा, यहाँ प्लस का टू एक्स वाई है ना। देखो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को खोला तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस टू एक्स वाई है, प्लस टू एक्स वाई फिर माइनस वाई स्क्वायर। रुकिए यहाँ से फिर करना पड़ेगा यार, देखिए सॉल्व करते हैं, एकदम बढ़िया से सॉल्व करिए, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो गलती हो जाएगी। फोर टाइम्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है यहाँ से बचा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई। एक मिनट, इसको चेंज किया गया कि नहीं, देखो भाई यहाँ पर भी माइनस में है ना, इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा ना भाई, कहे कहाँ गलती हो रही। देखिए इसीलिए कहते हैं कि भाई क्वेश्चन किया करिए, क्वेश्चन करेंगे ना तो गलती समझ में आ जाएगी। देखिए ऐसे क्या होगा, फोर टाइम्स एलसीएम कितना है भाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आया ना, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस ऑफ वाई स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का टू एक्स वाई। ठीक है ना, फिर बचा क्या माइनस, यहाँ से भी साइन चेंज, वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का टू एक्स वाई। अब काटो देखो क्या क्या बच रहा है और क्या क्या कट रहा है। अब देखिए यहाँ से, अच्छा रुकिए पहले इसको सॉल्व खोलना पड़ेगा ना, ओपन करना पड़ेगा। फोर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में टू एक्स वाई अपॉन, सही किएंगे नहीं ये ओपन किए ये है, ठीक है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज दैट फोर टाइम्स जो कटता है वो काट देते हैं, एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट गया, एक टू एक्स वाई से एक टू एक्स वाई भी कट गया, क्या बचा एक ये वाई स्क्वायर बचा और एक ये एक्स स्क्वायर बचा और ये बचा। ठीक है क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही बचा ना। तो बेशक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अपन यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, रीजन आप यहाँ बता देंगे बढ़िया से एकदम, सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यही होगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक बात और आप जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है ना, देन वी कैन राइट दैट दिस लाइक दिस, ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फोर टाइम्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड और इनको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। जरा क्वेश्चन सेकेंड को अगर हम यहाँ लिखना चाहें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
इकोनॉमिक क्वेश्चन सेकंड, फोर टाइम्स वन माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, कितना है तो भाई फोर टाइम्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप बता देंगे भाई, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, देखिए ये जो है इनके बराबर है और ये है, ये भी इनके बराबर है, मतलब क्या हो रहा है दोनों में आरएचएस सेम आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों आरएचएस भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझ रहे हैं ना। अगर ए जो है वो बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है तो हमेशा याद रखिए कि ए भी जो होगा वो भी सी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स वन माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है ना। और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, सिंपल वही आपको मैथमेटिक्स लगाना है, डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करना है, दोनों को अलग अलग रिस्पेक्ट में करके और आपको प्रूफ कर देना है, ठीक है ना। एलएचएस आप देख रहे हैं कि इसके आगे करने का मतलब नहीं होगा, तो आप आरएचएस को पकड़िए और उसको इनके बराबर लेकर आइए, ठीक है ना। क्या होता है ना, जब दो लोग आपस में थोड़ा दुश्मनी कर लेते हैं ना, तो कोई तीसरा जब मिलवाने के लिए लेकर आता है तो क्या करता है, एक को थोड़ा खिसका के लेकर आता है ना, फिर देखता भाई इसके बाद तो नहीं जाएगा, तो फिर क्या करता है, तो यहीं रुक मैं सेकंड वाले को उठा के लेकर आता हूँ, ठीक है। तो दोनों को लाता है पास में, तब मिला देता है, क्या करता है मिला देता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, अगर एलएचएस आपने आप कर रहे हैं, ठीक है ना, एलएचएस आप यहाँ छोड़ दीजिए, इसके आगे मत करिए, लंबा ज़्यादा जाएगा समझ नहीं आएगा, तो आप क्या करिए इसको यहीं छोड़कर राइट हैंड साइड को देखिए कि क्या ये दोनों आपस में बराबर लगभग आ जा रहे हैं। देखिए यहाँ जब यहाँ फोर आ गया तो जाहिर सी बात है कि राइट हैंड में भी थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट, सॉरी थोड़ा बहुत वैल्यू पुट करेंगे अगर आप, तो वैल्यू आपके पास सामने आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी टाइप का लगा होगा आपको, है ना, लेकिन सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, समझ में तो आ गया होगा, है ना, एकदम आसान सा था। चलिए नेक्स्ट जो हमारा था, होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बता देते हैं, होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बताते हैं, फिर आपको एक होमवर्क देते हैं, है ना, और फिर आज की क्लास को विराम करेंगे। पहले देखिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है वो सुनिए। अच्छा, अगर कोई x बाई वाई है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यही बोलते हैं। देखिए कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए डेल, या कोई फंक्शन दिया जाए, कोई फंक्शन आपको दिया जाए, सपोज ये x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बाई एक्स प्लस वाई, समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये कोई फंक्शन है, एक फंक्शन आपको ये दिया जाए एक्स प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स रूट वाई, समझिएगा तुम ध्यान से, ठीक है ना। और आपको दो नंबर, एक नंबर, अगर आपके पास और भी एक कोई आपको तीन नंबर देते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस वाई की पावर वन बाई थ्री, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे देता है, अगर ऐसे देता है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं ना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इनको भी क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इनको भी क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो अगर सुनिएगा होमोजीनियस फंक्शन की बात बता रहे, क्या होता है, कोई भी आपको फंक्शन दिया रहे, ठीक है ना, अगर न्यूमरेटर में जितने भी वेरिएबल हैं, न्यूमरेटर में जितने भी वेरिएबल हैं सबके पावर सेम हो, अगर सुनेगा ध्यान से, न्यूमरेटर में जितने भी हैं सबके पावर सेम हो, और सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर में जितने भी वेरिएबल हैं सबके अगर पावर सेम है, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। फिर सुनिए, यदि ऐसा फंक्शन जिसके जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर उसमें जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर सेम हो, सेम ऐसे ही
नीचे वाले जितने भी हैं सबके सब वेरिएबल के पावर सेम हो। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो कौन से फंक्शन होते हैं? होमोजेनियस फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। ये मत समझिएगा कि यहाँ 4 हो तो यहाँ नीचे भी 4 होना चाहिए, ऊपर वाले के सभी वेरिएबल के पावर सेम होने चाहिए और नीचे वाले के लिए नीचे वाले जितने वेरिएबल हैं सबके पावर सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो फंक्शन आपके पास आएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई वो फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ देखिए पावर फोर है, दोनों वेरिएबल दोनों के पावर फोर है। यहाँ देखिए पावर वन है, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है फंक्शन वाई, ये एक तरह का होमोजेनियस फंक्शन है। नीचे देखिए, यहाँ देखिए एक्स की पावर वन, वाई की पावर एन, वन दोनों क्या है पावर सेम है। न्यूमरेटर की पावर क्या है, दोनों वेरिएबल है दोनों का क्या है पावर सेम है। लेकिन डिनोमिनेटर में आते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पर पावर टू है, यहाँ पर रूट का मतलब क्या होता है, रूट वाई का मतलब क्या होता है, वाई की पावर 1/2 है। यहाँ पर पावर टू और यहाँ पर पावर क्या है 1/2। तो अगर पावर डिफरेंट हो रहा है, अगर पावर डिफरेंट होगा तो समझ लीजिए कि जो फंक्शन होगा वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। और जो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं होते हैं वो कौन से फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन को क्या कहा जाता है, उन फंक्शन को कहा जाता है नॉन होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। यानी कि पावर सेम है, क्या यहां पर देखिए, यहां पर पावर सेम है ऊपर नीचे दोनों वालों का तो होमोजेनियस फंक्शन, पावर सेम नहीं है तो नॉन होमोजेनियस। इसमें देखिए पावर थ्री है ना, दो वेरिएबल है दोनों के पावर क्या है सेम है, न्यूमरेटर में सेम है, डिनोमिनेटर में देखिए इसके भी दो है, मतलब यहां पर क्या है पावर नीचे वालों का अपना अपना पूरा सेम है, ऊपर वाले का पूरा पूरा सेम है, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास फंक्शन जो होता है वो कौन सा फंक्शन होता है भाई, होमोजेनियस फंक्शन होता है, ठीक है ना, क्लियर है ना, होमोजेनियस फंक्शन होता है। बात करते हैं कि डिग्री, यहीं से आप डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास यही एग्जांपल है, समझिएगा फंक्शन आपको दिया गया है वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। डिग्री फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे भाई, डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो आप हमेशा फंक्शन को इस टर्म में लेकर आएंगे, फंक्शन को एक्स वाई के टर्म में आपको दिया गया है, फंक्शन आप किस टर्म में लेकर आएंगे एक्स प्लस वाई बाई एक्स, है ना। अगर इस टर्म में अगर आप लेकर आते हैं, इस प्रकार के फंक्शन में अगर आप लेकर आते हैं तो जो फंक्शन के जो पावर होगा डिग्री दिखाते हैं। जैसे वाई इक्वल्स टू यहाँ क्या होगा एक्स, अगर कॉमन ले लें एक्स तो अंदर क्या बचेगा एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 4 बाई एक्स, यही होगा ना, अपॉन यहाँ से अगर x कॉमन ले तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस वाई बाई एक्स, सॉरी 1 प्लस, क्या होगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ से क्या होगा y इक्वल्स टू x की पावर 4 कॉमन लेते हैं हमेशा, सॉरी x पावर 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, हमेशा ही इस फॉर्म में होना चाहिए 1 प्लस वाई बाई एक्स इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, 1 प्लस वाई बाई एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस वाई बाई एक्स बनाएंगे तो क्या होगा एक्स पावर 4 को पूरा बाहर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा वाई की पावर 4 बाई एक्स पावर 4, ये बाहर कॉमन लेने तो आपको आता होगा ना, बताते हैं अभी रुकिए। देखिए सेम ऐसे यहाँ से अगर एक्स कॉमन लें तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा ना 1 प्लस वाई बाई एक्स के फॉर्म में, एक्स क्यूब ये पावर 4 कट गया तो वैल्यू कितनी आएगी वाई की पावर, वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 ऑफ 1 प्लस y की पावर 4 बाई एक्स 4 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है ना। तो ये x की जितनी पावर होती है ना, x की पावर जितनी पावर आती है यही जो होती है ये होती है डिग्री ऑफ द फंक्शन, याद रहे डिग्री ऑफ द फंक्शन है ना कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, डिग्री ऑफ द फंक्शन है। देखिए कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन लेने का बेसिक तरीका यही होता है कि डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवाइड करने का मतलब देखिए यहाँ से x की पावर 4 कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि x की पावर 4 में डिवाइड कर देना है, तो x की पावर 4 देखिए x की पावर 4 बाई x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बाई x की पावर 4, यहाँ से कट के 1 हो जाता है और यहाँ से y की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर ये आता है, ठीक है ना। पावर 3 है तो यही इसकी क्या होती है डिग्री होती है, ये होता है आपका होमोजेनियस फंक्शन। और नॉन होमोजेनियस फंक्शन के बारे में सिंपल यही है,
कि अगर न्यूमरेटर जितने वेरिएबल है सबके पावर सेम हो, और ऐसे सेम ऐसे डिनोमीटर के पावर भी क्या हो, सेम हो, तो ऐसे फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजेनियस फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल लिख लीजिए जो आपको करना है। जो कर लेगा भाई समझ लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा पूरे। क्वेश्चन है कि इफ यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू है, देन प्रूव डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू जीरो। एक मिनट थोड़ा इसको चेंज करते हैं, थोड़ा बढ़िया बनाते हैं। बढ़िया बनाने के लिए क्या करते हैं, हम डेल टू यू कर देते हैं, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, दो बार डिफरेंशिएट करो आप, होमवर्क के आराम से करना। डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का लिख रहे यार, प्लस इक्वल्स टू जीरो। या आपको क्या करना भाई, प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, अगर आपको u ये दिया गया हो, फंक्शन u इस तरह से दिया गया हो। सब नोट कर लीजिए भाई सब लोग बढ़िया से। और ये होमवर्क आपके लिए है, होमवर्क है ना, होमवर्क है, ये होमवर्क आप लोग कर लेना जरूर, आप लोग होमवर्क जरूर कर लेना भाई ये वाला, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारना है तो उतार लीजिए, है ना, ठीक है। फिर आज क्लास यहीं ओवर करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग जो आज हमने एग्जांपल लिया तो वो समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, समझ गए होंगे, है ना। तो जो आपको होमवर्क दिया गया वो होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय जय भारत।